हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सिगमेंट लिफ्टर का वायर रोप कैसे डालते हैं। सबसे पहले तो हमको दो रस्सी चाहिए। अगर हमारा सिगमेंट लिफ्टर से नीचे 20 फीट है तो हमको एक रस्सी चाहिए 40 फीट का और एक चाहिए 20-22 फीट का। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम वायर रोप को ड्रम से ढीला करेंगे। ये देख सकते हैं हमारा ड्रम से जो वायर रोप जा रहा है, ये देख सकते हैं। इसको हम लोगों ने ढीला करके पूरा नीचे तक लिया है। ये है हमारा ड्रम से जो नीचे तक का वायर रोप। और इसको हम एक रस जो 40 फीट वाली रस्सी है डबल वाली, उसमें हम लोग एक मजबूत वायर बेंडिंग वायर से बांध लेंगे। मजबूती से बांधना पड़ेगा उसको, ताकि उसको बहुत बार खींचना भी पड़ता है। तो अगर हम लोग कमज़ोर बांधेंगे तो वो क्या खोल भी सकता है, इसके लिए मजबूती बांधना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं हमारा ये ऊपर में 6 पुल्ली है तीन तीन करके, और नीचे में 4×8 पुल्ली है। तो हमारा जो ड्रम से जो वायर रोप नीचे के पुल्ली में फर्स्ट वाले में लगेगा। और आप देख सकते हैं कि हम लोग कैमरा थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा, वीडियो क्या नीचे बहुत है इसके लिए। अब ये देख सकते हैं हम लोग फर्स्ट जो ड्रम से जो रोप फर्स्ट पुल्ली में जो जा रहा है वो ये खींच रहे हैं हम लोग। और उसका दूसरा राउंड होके इधर से हमारा ये रस्सी देख सकते हैं, और यही रस्सी हमारा फर्स्ट वाला ऊपर पुल्ली में भी राउंड होके नीचे आया, जो हम इधर तीन आदमी खींच रहे हैं। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं हमारा ये रोप, ये इधर से राउंड होके इसमें से ये फर्स्ट वाली पुल्ली में जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, ये वायर रोप लगभग 20-25 एमएम मोटा होता है, बहुत वेट होता है। आप देख सकते हैं पहले जब आप रोप चढ़ाना हो तो एक ड्रम में पूरा दो राउंड में फुल कर लीजिए और एक ड्रम खाली रहने दीजिए। उसके बाद देख सकते हैं अब हमारा ये वायर रोप इस पुल्ली में आने वाला है, जो हम लोग देख सकते हैं कितने मजबूती से बांधे हैं, और मजबूती से बांधना भी पड़ता है, बेंडिंग वायर से बांधना पड़ता है। जी हमारा वायर रोप आ गया ऊपर पुल्ली में, ये देख सकते हैं ये वायर रोप फर्स्ट पुल्ली में चढ़ चुका है। अब इसको हम खींच के नीचे लेंगे।
और ड्रम को भी रोप, ड्रम में जो वायर रोप है उसको भी डाउन करेंगे जिससे हमको खींचने में आसानी हो। देख सकते हैं हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने वाला है। ये देख सकते हैं हमारा ये वायर रोप पुल्ली में से होके ये जा रहा है। ड्रम को भी धीरे धीरे ढीला भी करना है और इधर से चार, कम से मिनिमम 3 से 4 आदमी होना चाहिए खींचने के लिए, वेट होता है। ये हमारा ये जो आप देख रहे हैं ये रोप ये ड्रम से आया हुआ है और ये पुल्ली में से आके ऊपर जा रहा है, ये वाला ऊपर जा रहा है। ये देख सकते हैं हमारा ऊपर पुल्ली में होके जो हम लोग बांधे थे वो इधर इधर देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगती है, नीचे का जो भाग होता है वो क्लियर नहीं हो पाता है मोबाइल से, उसके लिए थोड़ा आप समझने की कोशिश करिए। ये हमारा वायर रोप ये देख सकते हैं चला गया। इसको पूरा नीचे ले लेंगे, पूरा नीचे थोड़ा स्टॉप कर लेंगे, उसके बाद सेकंड पुल्ली में डालेंगे। और खींचना है, खींचने के बाद और स्टॉप रहेगा तो सही रहता है दूसरे पुल्ली में चढ़ा के खींचने में। अभी हम जो बांधे थे वही रस्सी का लास्ट वाला छोर हम इधर सेकेंड पुल्ली में डालेंगे। ये देख सकते हैं हमारा ये सेकेंड पुल्ली जो रोप का दूसरा नंबर पुल्ली है, ये देख सकते हैं सेकेंड पुल्ली। नीचे से होके ऊपर निकलेगा वो पुल्ली, पहले ऊपर से डालेंगे फिर वो राउंड होके ये देख सकते हैं ये फर्स्ट ये सेकेंड वाला पुल्ली से निकलना है। जगह का भी थोड़ा दिक्कत होता है तो इसलिए टाइम भी लगता है। ये देख सकते हैं हमारा रस्सी बाहर आ चुका है। ये हमारा रस्सी देख सकते हैं बाहर आ चुका है।
अब इसको हम ऊपर देंगे, इसका भी प्रोसेस हम बता रहे हैं। हम लोग ऊपर से एक रस्सी डालेंगे, इधर से भी डालेंगे तो ये सेकंड पुली में डालेंगे, और ये रस्सी किधर से डालना है वो भी ध्यान से आप लोग देखिए। ये रस्सी इस पुल्ली से डालना है नीचे, इस पुल्ली से पूरा नीचे तक डालना है, और जो रोप का रस्सी है उसको इसमें हम लोग बांध देंगे और इसको ऊपर खींच लेंगे, वो वाला रस्सी ऊपर खींच लेंगे। अभी देख सकते हैं वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इसको वायर रोप चढ़ाने में, दिन भर लग जाता है। और हाँ दोस्तों, इसको चढ़ाने के लिए बहुत ध्यान से चढ़ाना पड़ता है, अगर एक बार गड़बड़ हो गया तो फिर पूरा रो फिर से खोलना फिर से डालना, मतलब बहुत मेहनत का काम होता है। इसमें मिनिमम नीचे 5 से 6 आदमी चाहिए, ऊपर में 2 आदमी कम से कम चाहिए। देख सकते हैं वो हमारा रस्सी वायर रोप का इसमें बांध दिया, अब इसको हम ऊपर खींच रहे हैं, फिर हम लोग को आप लोग को दिखाते हैं। हमारा रस्सी आने वाला है, ये देख सकते हैं हमारा रस्सी आ चुका है इधर, ये हमारा नीचे का रस्सी वापस आ चुका है। अब इसको हम खोल देंगे, खोल के पुल्ली के उस पार से डालेंगे, आप देख सकते हैं पुल्ली के इस नीचे की ओर डालना है, 2 नंबर पुल्ली इसमें नीचे की ओर डालना है, और इसको नीचे ले लेंगे। रस्सी हमारा मोटा वाला थोड़ा कम पड़ गया था, इसके लिए हम लोग पतला रस्सी और एक जॉइंट किए थे। ये देख सकते हैं हमारा मोटा रस्सी भी आ गया, कम पड़ गया था इसके लिए हम लोग पतला रस्सी डाले थे जॉइंट किए थे। इसको हम लोग पूरा नीचे ले लेंगे ताकि नीचे जो आदमी है वो पकड़ सके, इसको बीच में नहीं छोड़ना जब तक नीचे वाले आदमी ना पकड़ ले, नहीं तो क्या वेट के कारण वापस नीचे हो जाएगा और फिर उतनी मेहनत करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं हमारा रस्सी जो है ये पकड़ लिए है रस्सी। इसको हमको थोड़ा आउटसाइड थोड़ा ले लेना है बाहर ताकि रोप में उलझे ना। देख सकते हैं हम लोग रोप को भी स्टॉक कर लिए थे, तो हमको क्या है खींचने में थोड़ा आसानी होगा।
और अब हम ये देख सकते हैं, ये हम लोग दूसरा पुल्ली में वायर रोप भर रहे हैं। ये हमारा सेकेंड राउंड का ये जो रस्सी में बांधा हुआ है ये रोप जा रहा है, सेकेंड राउंड का जिसमें गांठ आपको दिखाई दे रहा होगा, सेकेंड राउंड का रस्सी ऊपर जा रहा है, सेकेंड राउंड सेकेंड नंबर पुल्ली। दोस्तों इस वीडियो में पूरा नहीं हो पा रहा है और हम इसके लिए दूसरा पार्ट भी बना रहे हैं, दूसरा पार्ट भी डालेंगे। ये हमारा रस ड्रम भी धीरे धीरे डाउन करना ताकि वायर रोप नीचे जाए, और आप देख सकते हैं हमारा सेकेंड पुल्ली भी चलना शुरू हो गया है। नीचे से आदमी खींच रहा है, खींचते खींचते वो हमारा वायर रोप भी ऊपर आ जाएगा, ये पुल्ली में चढ़ जाएगा। ये देख सकते हैं सेकेंड पुल्ली, और इधर से दोस्तों इसका वीडियो हम पूरा कंप्लीट डालेंगे, आप लोग ज़रूर देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि दूसरे भाई लोग को भी हेल्प हो सके। ये ब्रिज के काम के लिए यूज होता है, सीमेंट लॉन्चिंग करने के लिए। देख सकते हैं हमारा सेकेंड राउंड भी जा रहा है। दोस्तों दूसरा वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं, आप लोग ज़रूर देखिए।